अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा करेले जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं और आसानी से बनते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल को अच्छे से पका लेना है, फिर करेले के ऊपर की छिलन को उसमें डालकर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। फिर दूसरी कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल डालकर उसको अच्छे से पका लेंगे और बारीक कटे हुए प्याज उसमें डालकर लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से चला लेंगे। फिर उसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसमें 2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे खटास के लिए और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से उसको मिला लेने के बाद ऊपर से उसमें घिसा हुआ गरम कलर डालेंगे। फिर उस मिक्सचर को अच्छे से मिलाकर पका लेंगे। फिर उसमें थोड़ी सी सूखी मेथी डालेंगे और अच्छे से चलाकर उसको मिला लेंगे। ग्रेवी तैयार होने के बाद उसको एक बाउल या एक प्लेट में परोस लेंगे। ये बॉयल कर सुखाए हुए करेले के छिलके हैं। इसको ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम ये ग्रेवी फिल करेंगे, अच्छे से इसके अंदर भरेंगे। जितनी फिलिंग उसके अंदर आ सके उतनी ही भरनी है, वरना आपके करेले से बाहर निकल सकती है। इसी तरीके से सभी करेले में आपको अपनी फिलिंग भर लेनी है। फिर थ्रेड लेनी है और उससे अच्छे से करेले को राउंड राउंड करके बांध देना है। ऐसे बांधना है कि वो थ्रेड खुले नहीं और ग्रेवी निकले नहीं। फिर एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करना है, अच्छे से पका लेना है। पकने के बाद उसमें फिल करे हुए करेले डालने हैं और दोनों तरफ से लाइट गोल्डन फ्राई करने हैं और बाकी बची हुई फिलिंग भी उसी के अंदर डालनी है और ढककर उसको पकने रख देना है। पकने के बाद उसको खोलकर देखना है कि पका है या नहीं। पकने पर उसका रोगन ऊपर आने लगेगा। पक जाने के बाद करेले कुछ इस तरीके से दिखेंगे और तैयार है आपके भरवा करेले। ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।